सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं WWE डे 1 के पेपर व्यू को। पेपर व्यू का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर और भी तगड़े मैच हैं। जनवरी 1 की डेट है USA में, लेकिन इंडिया में आएगा जनवरी 2 को। एंड गाइस, हम डायनामिक्स देख चुके हैं, क्या कुछ चेंज हो चुका है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच में। ब्रोक लेसनर का रोमन रेंस को इतना खतरनाक अटैक करना, ब्रोक लेसनर को WWE काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। एंड वही बात कर लीजिए, रोमन रेंस को काफी ज्यादा वीक दिखाया जा रहा है। सो यस, आज हम करने वाले प्रेडिक्शन WWE डे 1 के मैचेस की। टोटल 6 मैचेस होने वाले हैं WWE डे 1 पर। हम स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर। सो यस, रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर का दूसरा मैच है, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहने वाली है, पॉल हेमन क्या करने वाले हैं। रोमन रेंस ने पॉल हेमन पर अटैक कर दिया, क्योंकि धोखा दिया था पॉल हेमन ने। लेकिन मैंने आपको बताया, ये एक एक्ट भी हो सकता है। WWE डे 1 पर धोखा दे सकते हैं पॉल हेमन ब्रोक लेसनर को, एंड फिर से जुड़ सकते हैं रोमन रेंस के साथ। पहले मेरी प्रेडिक्शन थी ब्रोक लेसनर जीतेंगे, लेकिन अब मेरी प्रेडिक्शन है रोमन रेंस जीतेंगे, जैसे रूमर्स आ रहे हैं। सो गाइस, आप भी मुझे सारे के सारे मैचेस की प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताइएगा, एंड आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस को या फिर ब्रोक लेसनर को, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट मैच पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा मैच है, मिज वर्सेस द एज। इस मैच की काफी ज्यादा चीज अच्छी है, इसकी सेगमेंट्स में बहुत ही अच्छी सेगमेंट्स हमें देखने को मिलती है रो पर। यस, बहुत बार हम ऐसे देख चुके हैं कि वाइफ को सामने करके मिज अटैक करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं एज पर, एंड एज फिर भी फंस जा रहे हैं। उनको पता भी है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी डे 1 बहुत ही बड़ा पेपर व्यू होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर एज जीतने वाले हैं, रीमैचेस होंगे मिज वर्सेस एज के बीच में। नेक्स्ट मैच की बात कर ली जाए, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैड कैस मोस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें पता है ड्रू मैकइंटायर ये वाले मैच में जीतने वाले हैं। नेक्स्ट मैच है रो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन। बहुत ही अच्छा मैच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेकी लिंच हमें जीती हुई दिख सकती है। एंड फाइनली हमारी दूसरी मेन चैंपियनशिप का मैच, फैटल फोर वे WWE चैंपियनशिप के लिए, बिग ई वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लैशली। गाइस, ये मैच सिर्फ और सिर्फ सेथ रॉलिंस एंड बिग ई के बीच में होने वाला था, लेकिन केविन ओवेंस की एंट्री हुई, उसके बाद बॉबी लैशली की भी एंट्री हुई, फैटल फोर वे बन गया ये वाला मैच। एंड काफी अच्छी इसकी सेगमेंट्स हमें देखने को मिलती है, मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं हमें रो पर। बट यस, इस पर मेरी प्रेडिक्शन है, यहां पर बिग ई फिर भी रिटेन करने वाले अपनी चैंपियनशिप डे 1 पर। एंड नेक्स्ट मैच है टैग टीम मैच बिटवीन उसोस वर्सेस न्यू डे। यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है उसोस रिटेन करने वाले अपनी चैंपियनशिप, रेसलमेनिया के पहले नहीं हारने वाले। एंड यस गाइस, क्वेश्चन पूछ लो कमेंट्स में, यहां तक आ गए, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, एंड लाइक तो मार देते हो। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।